लीला बंसाली जी जो है, रणवीर सिंह जो है, दीपिका पडुकोण, दीपिका पडुकोण और शाहिद, आई थिंक बहुत ही रिस्पेक्टेड लोग हैं। राजपूत एक ऐसी कौम है जिस कौम के लिए हमें बहुत सारा रिस्पेक्ट है, बहुत सारी इज्जत है। मैं खुद क्षत्रिय हूँ, मैंगलोर का हूँ, तो उसी कौम का हूँ, और बस ये डेफिनेटली कहूँगा कि 100% उनकी इंटेंशन ये नहीं होगी कि वो किसी को दुख पहुंचाए या कुछ नेगेटिव करे। आई थिंक एक मौका देना चाहिए जहां फिल्म दिखाई जाए, जहां वो फिल्म देखे और फिर डिसाइड करे। आई थिंक एक ऐसी फिल्म जो पेंटिंग की तरह बनाई गई है, उसमें 100% मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे लोगों को खराब लगे या बुरा लगे। बल्कि जैसे कि अर्नब ने कहा, ये एक ऐसी फिल्म है जिसे देखकर हर राजपूत प्राउड फील करेगा कि उसकी कौम ने और उनकी रानी ने कितनी बड़ी सैक्रिफाइस की अपने अपने कौम के लिए और अपनी इज्जत के लिए। तो आई थिंक एक फिल्म मेकर को वो मौका दिया जाना चाहिए, वो उन एक्टरों को वो मौका देना चाहिए। कोई कहीं बैठ कर कह रहा है कि मुझे दीपिका का सर चाहिए। हम कौन सी दुनिया में रह रहे हैं, हम कौन सी दुनिया में रह रहे हैं? वो भी एक औरत है, वो भी किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की दोस्त है। तो आई थिंक बोलने से पहले भी हमें सोचना बहुत ही जरूरी है कि हम किसे दुख पहुंचा रहे हैं। और जैसे कि मैंने कहा, दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसा कुछ नहीं होगा फिल्म में जहां हमें शर्मिंदा होना पड़े। हमारी शान है, राजपूत हमारी शान है, देश की शान है। तो हम क्यों हमारी इंडस्ट्री ऐसे कोई काम करेगी जिससे किसी और को दुख पहुंचाया जाए। और वैसे भी राजस्थान के बारे में हमें सबको पता है कि मैं राजस्थान में सबसे ज्यादा, अगर किसी ने काम किया राजस्थान में तो मैंने काम किया। अतिथि देवो भव का असली मतलब राजपूतों से ही आता है, राजस्थान के लोगों से ही आता है, तो आई थिंक पॉलिटिकल न होते हुए हम अगर इसे देखेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। या सेंसर बोर्ड फिल्म देख के डिसाइड करेगी कि किसी को ठेस पहुंचा है या नहीं, किसी कौम को, हमारे कौम को ठेस पहुंचा है या नहीं। आई थिंक वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और सेंसर, ऑफकोर्स सेंसर की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी इसमें। लेकिन आई थिंक संजय जी एक ऐसे इंसान है जो बोलते कम है, शायद उन्हें आकर बोलना चाहिए था, वो शायद वो उनकी गलती है। लेकिन एग्जीक्यूशन में ट्रस्ट मी, इट विल बी ओनली रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट एंड रिस्पेक्ट फॉर दैट कम्युनिटी दैट हैज डन सो मच फॉर द कंट्री ऑलवेज इन द हिस्ट्री ऑल्सो।